I think we already mentioned that member, my CEO, the president, he already mentioned. जी शहीद भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे बड़े ही मंसूर हॉकी के गोल कीपर जो हैं, बड़े उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम किए पाकिस्तान टेलीविजन पे 2004 और 2003 के ज़माने में. अब वो बड़ा हमें अच्छा लगा सुन के, जब पता लगा कि होप नॉट होप की जानब से आप उनको देखने गए. तो पाकिस्तान में शुरू से ऐसा हो रहा है कि जो बरसरे का जो हुकूमत वगैरह होती है, कभी भी कोई बैकअप नहीं मिला. दोबारा से एक वो होप नॉट आउट सामने आई, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं. और मोहम्मद इनाम के बारे में, जिन्होंने अभी 86 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान की जानब से सोने का तमगा लिया है, होप नॉट आउट इज़ व्हाट डू नॉट डू फॉर दीज गाइस. देखिए, जो तकलीफ़ में है उसके लिए तो मैं सबसे पहले हाजिर हूँगा. जिसने गोल्ड मेडल ले लिया उससे उसको मुबारकबाद, उसका पाकिस्तान की तरफ आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा. आई थिंक उसका फ्यूचर है, उसने आगे जाना है, उसको जहाँ सपोर्ट मिलेगी वो बिल्कुल हमें बता सकते हैं, पता चल जाती है चीज़ें. मंसूर अली खान हो गए, इमरान नज़ीर वगैरह हो गए, ये लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. और स्पोर्ट्समैन का ये है कि एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद जब आप स्पोर्ट्समैन नहीं रहते, रिटायर हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं आपको, फिर आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं होती. हमारे माशरे का एक है, हमारे यहाँ हीरोज़ की कदर नहीं होती. तो मैं अपने आप को उनकी जगह रख के, इंसानियत है, इंसान है, सोचता है कि अब मैं अगर उनकी जगह होती तो मैं क्या करता. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये फीलिंग, ये एहसास मुझे दिया हुआ है.